अस्सलाम वालेकुम। तो आज सेकंड डे है ईद का, तो सेकंड डे का जो ड्रेस है इसकी मैंने खुद डिज़ाइनिंग की है। ली तो मैंने ये तीनों चीज़ें रंगजा ब्रांड से हैं, लेकिन तीनों चीज़ें मैंने अलग अलग करके डिज़ाइन की है। मतलब कि ये गरारा था और उसके साथ अलग से शर्ट ली है, साथ ही उसके मैचिंग का मैंने अलग से दुपट्टा लिया और इसी के मैचिंग के मैंने इयर रिंग खरीदे थे झुमके, क्योंकि मैंने सोचा कि झुमके ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसमें। ड्रेस में साथ ही साथ ग्रीन कलर आ रहा था इसलिए मैंने चूड़ियाँ ग्रीन कलर की पहनी और ये मैंने बोरजान से शूज़ लिए। हम सोकर उठ चुके हैं, कोई 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं बस अब जल्दी से तैयार होंगी। और साथ ही साथ ना मैंने सोचा कि पहले मैं ना अम्मी की थोड़ी हेल्प करवा दूँ, तो यहाँ हम लोग मिलकर ना चिकन को साफ़ कर दिया है और चिकन में ना मसाला लगा कर रख देंगे और जब बाहर से घूम कर आएँगे तो उसे ना हम सीखों में पका लेंगे। मेरी सिस्टर ने सुबह ही टिक्को पर मसाला लगा लिया, मतलब 2 बजे का टाइम हो रहा है और रात को दावत है, तो अगर अभी से ही मसाला लगाएंगे तो रात में जब लोग खाएंगे तो उन्हें ज़्यादा और अच्छा लगेगा, क्योंकि मसाला पहले से ही अच्छा लगा हुआ होगा। तो और साथ ही साथ ना हम इसमें जल्दी जल्दी से ना लेमन भी ऐड कर रहे हैं। लेमन को ऐड करने से ये होगा कि और ज़्यादा ना जो टिक्का होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, और साथ ही साथ ना जो मीठा बनेगा मतलब स्वीट्स में जो शीर कौरमा बनाएंगी अम्मी, तो उसके लिए ना अभी से ना ड्राई फ्रूट काट के रख दिए ताकि रात को अम्मी के लिए थोड़ी आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खाने की दुनिया। तो आज ईद का सेकंड डे, तो आज मैं आपको पूरी अपनी सेकंड डे की रूटीन शेयर करूँगी। और सेकंड डे में मेरे पप्पू लोग आते हैं और तो हम उनकी दावत करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि आज हमने दावत में क्या क्या बनाया। तो सेकंड डे था तो हमने सोचा कि सुबह सुबह हम लोग अपना एंजॉय भी कर लें और रात में फिर दावत होगी तो काम करने होंगे, तो हम कैफ़े आ गए थे और उसके बाद अम्मी ने हमसे दही मंगवाया था। और दही इसलिए मंगवाया था क्योंकि रात को बनना था रायता, तो उसके लिए हमने दही ले लिया। और उसके बाद ना मुझे बेकरी नज़र आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बेकरी से कुछ मीठा ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा खाने की थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी। वाली जो बेकरी है यू न्यू ही खुली है कैंट में, तो एमिनिया बेकरी, तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ कि कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ की। वैसे तो इसे काफ़ी टाइम हो गया, 2 मंथ्स हो गए आई थिंक, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे यहाँ की बेकरी अच्छी लगी, लेकिन मैंने बस यहाँ से थोड़ा सा मीठा लेना था तो वो लिए अपने लिए। और जब मैं घर आई तो मतलब यहाँ बिरयानी वगैरह बनना शुरू हो गया था, बिरयानी का सालन अम्मी ने चढ़ा दिया था। मतलब मैंने पूछा कि अम्मी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो क्या करूं, तो साथ ही साथ आलू छीलने लग गए थे हम लोग। और मतलब वैसे सारा खाना अम्मी ने ही बनाया था लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, साथ ही साथ हरी मिर्चें काट दी थी और अम्मी ने माशाल्लाह सुबह ही उड़कर निहारी चढ़ा दी थी, मतलब अल्लाह नज़र से बचाए माशाल्लाह। अम्मी सुबह ही 10 बजे उड़कर अम्मी ने इतना सारा खाना बनाया था, मतलब सुबह ही अम्मी ने कबाब भी बना लिए थे, बनाकर उनको फ्रीज कर दिया था, थैली में डाल के सब रख दिए थे कि रात को जब मेहमान आएंगे तो अम्मी उसे बनाएंगी। तो मैं यही अम्मी से बोल रही थी, माशाल्लाह आप में हिम्मत है कि आपने इतना सारा सामान बना लिया, हमसे कह देती हैं तो अम्मी ना नहीं तुम लोग सो जाओ, ईद है तो तुम लोग ईद भी एंजॉय करो। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत अम्मी ने हेल्प ली थी, हमसे ज़्यादा नहीं ली। और ये जो टिक्के हैं जिसका मसाला सुबह हम लगा कर गए थे, अभी अयान इसे बना रहा है, अयान इसे सेकेगा और अयान बहुत अच्छे टिक्के हमेशा सेकता है, तो हर ईद में ना माशाल्लाह से अयान ही टिक्के सेक रहा होता है। और साथ ही साथ ना हम इसमें दाल डाल कर रख रहे थे कि मेहमान आने से जल्दी से पहले बना लें और जैसे बनाएं उनके आगे रख दें, तो टिक्के बहुत ही स्पाइसी बने थे क्योंकि इनका जो मसाला था वो भी सुबह से लगा दिया था। अम्मी को देखें कैसे वेट करी, टिक्का बने और मैं खाऊँ। ये जो आप स्पेशल बिरयानी देख रहे हैं ये माशाल्लाह से अम्मी ने बनाई थी, लेकिन मैंने ये हेल्प की थी कि मैंने इस पर दम लगाया था, तो एक हाथ में मेरा फ़ोन था और एक हाथ में मैं दम लगा रही थी और मुझे बस ये टेंशन थी कि मेरे व्लॉग के चक्कर में बिरयानी ना ख़राब हो जाए और मैं गलती से ऊपर नीचे ना कर दूं, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ एक हाथ से ना सालन डाल रही हूँ। लेकिन मुझे दम लगाना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मुझे मज़ा आता है। मैं तो अपनी बिरयानी फ़ौरन खुद ही बना लेती हूँ घर पर, मुझे बिरयानी बनाना पसंद भी बहुत है और खाना भी बहुत पसंद है। फिर मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने सोचा अगर मैं स्पून से डालती जाऊँगी तो इतनी देर में सब आम मेहमान बेचारे भूखे रह जाएंगे, तो मुझे ना
बाउल से निकालना चाहिए सालन। तो फिर मैंने अक्लमंदी की और जल्दी जल्दी ना इससे जल्दी जल्दी ना दम लग गया। बिरयानी बस हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें हमने आलू और साथ ही साथ मैंने ना ऊपर आखिरी में राइस डाल दिए ज़्यादा, जिसे वाइट राइस खाने होंगे ना तो उसे अलग से वाइट राइस भी मिल जाए। और साथ ही साथ ना ये मैंने रेड चिल्ली सॉस बनाया था, मतलब कबाब के ऊपर लगाने के लिए। तो कबाब अम्मी ने बना लिए थे, तो अचानक अम्मी को याद आया कि हमने ना रेड वाली सॉस नहीं बनाई। तो मैंने बोला अम्मी आप जाकर तैयार हो, ये मैं बनाऊंगी। तो ये मैंने कोई इतनी अच्छी बनाई थी, अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सॉस बनाई थी, लेकिन मुझे ये इतनी मज़े की लगी थी ना, इसमें मिर्चें थी ना बिल्कुल नॉर्मल थी, और साथ ही साथ ना रायता भी जल्दी जल्दी से ना निकाल कर रख रहे थे हम। और ये ना बर्तन मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए थे ताकि आसानी हो जाए, जब जैसे ही रखने लगे तो सामने ही बर्तन ना पहले से ही अगर निकाल के रख लें धो के, तो ये फ़ायदा होता है कि आसानी हो जाती है बस, और क्या होता है। और साथ ही साथ ये प्याज भी रख ली थी, और यहाँ पे बस मेहमान आने लगे और टाइम हो गया। तो फाइनली जिनका वेट था हमारे मेहमान आ चुके हैं, हमारे फुप्पो लोग। तो हमारे फैमिली हमारे गेस्ट आ गए, हमारी मेरी बड़ी भाभी आ चुकी है। ईद मुबारक आप सबको भी, हैप्पी ईद मुबारक। हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और आज भाभी के लिए स्पेशल हमने लंबे वाले कबाब भी बनाए। ओ थैंक यू सो मच। रिपोर्ट कर ही लेंगे, रिपोर्ट सही है। जेब कहाँ है? जेब क्या अम्मी को दो। हैदर ये ले लो। हैदर आपको क्या चाहिए? इधर आपको चॉकलेट दूँ। शांति का मेकअप होगा, पर शांति सबको बोलेगी ईद मुबारक। चलो बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। शांति आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? आप अपना ड्रेस दिखाओ सबको। वाह आपको मेरा कैसा ड्रेस है? वाह शांति का कितना प्यारा ड्रेस है। शांति सबको बोलो ईद मुबारक। जोर से ईद मुबारक। गुड। खाने खा लो आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे? मेकअप। मेकअप सबको दिखाओ कैसा है। वाओ शांजे का मेकअप खुल रहा है। खुशी हो रही है? खुद ही कर दो। मैं नैन पॉलिश दिखाओ। ओए होए नैन पॉलिश भी है। आपको लगाना आती है? इसकी नैन पॉलिश सीधी करो, उल्टी हो जाएगी, गिर जाएगी। ओए होए जल्दी से लगाओ, आइस में लगा रही है शांति। माय गॉड। ओए 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 क्लैपिंग क्लैपिंग। यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया, और आप देख सकते हैं छोटे वाले बेबीज माशाल्लाह से पहले ही बैठ। जितने भी बड़े बड़े से अंकल थे वो सब इस रूम में बैठ गए थे, तो आधे लोग इस रूम में आ गए थे। और खाने के बाद फिर अम्मी ना जल्दी जल्दी से शीर कौरमा निकाल रही है, जो हमने सुबह से अम्मी ने बना के रखा हुआ था, और हाफ इसमें शुगर फ्री था और हाफ मीठा था, ताकि जिन्हें शुगर फ्री खाना है वो शुगर फ्री खा सकें, और जिन्हें मीठा खाना है वो मीठा खा सकें। और जो एंड का टाइम होता है वो सबसे मज़े का टाइम होता है, क्योंकि इसमें ईदी मिलती है, ईदी। और सबसे खुशी की बात ये थी कि इस दफ़ा गुड़िया बाजी ने 1000 रुपये दिए। मैं समझी थी 500, लेकिन जब गिने तो 1000 निकले। वाह गुड़िया बाजी उमर भाई थैंक यू। कल आज आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छी बिरयानी लगी जी। इसके बाद मुझे रायता लगा जी जी। फिर वो हाई टाइप जो था वो भी था। कबाब बहुत अच्छे थे बने हुए पिछले में, मुझे जरा थोड़ी मिर्च ज्यादा लगी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था जी जी। सब चीजें अच्छी थी माशाल्लाह। आप लोगों की मेहनत पिसा हुआ बहुत था, कीमा उसका जो था कबाबों का बहुत जबरदस्त। अंकल आप माशाल्लाह बट का, आपको खाने का बहुत शौक है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह क्यों नहीं, क्यों नहीं। बट और खाना
लाजिम मजलूम है, पहले ही इसी की है। माशाल्लाह। आपने कपड़े चेंज कर लिए? आपने क्या खाया? आलू खाया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। America, 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 America,